हम लोग सिवान के जो गांधी मैदान में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो पीएसीएल एक पीड़ित हम लोग निवेशक है, एजेंट है, उनके विषय में आप लोग कुछ कहिए। बोलिए सर, आप ही बोलिए। मैं पृथ्वीनाथ सिंह, ग्राम ज्ञातपुर थाना सिसवन, जिला सिवान का निवासी हूँ। और पीएसीएल में 14 साल काम करने के बाद वो कंपनी जब बंद हुई, उसके बाद वो पैसा जो कंपनी का डूबा, उसके बाद पैसे की लड़ाई लड़ते लड़ते आज 5 साल बीत गया, फिर भी पैसा नहीं मिला। तो अब हम लोग लीगल नोटिस के माध्यम से मैनेजमेंट को ये जानना चाहते हैं कि 21 और 22 अगस्त का जो पैसा है, वो पैसा ये आतंकवादियों को दे करके और देश के जितने भी हमारे सैनिक हैं, शहीदों को शहीद करवा रहे हैं, सैनिकों को। इसलिए हम चाहते हैं कि ये पैसा कहाँ गया, ये सीबीआई के पास भी हम लोग लेटर भेज रहे हैं और मैनेजमेंट के पास भी लेटर भेज रहे हैं, डायरेक्टर को लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं, ताकि इस को उजागर किया जाए और देखा जाए कि हम लोग को पैसा तो लोढ़ा कमेटी देगी, ये सत्य बात है, लेकिन ये पैसा जो 21 और 22 अगस्त को उगाह करके और जो हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया जा रहा है 2014 से, तो इन लोगों को क्या किया जाए और कैसे इन लोगों को रखा जाए, इसके विषय में गवर्नमेंट क्या कराती है, कैसे कराती है, इसके लिए हम लोग लीगल नोटिस भेज रहे हैं। और ये पैसा हम लोगों को लोढ़ा कमेटी के माध्यम से मिल जाए। इसके बाद में आप सीबीआई के पास भी लीगल नोटिस लगाएंगे? हाँ, इसके बाद में हम सीबीआई के पास भी लीगल नोटिस लगाएंगे। और आपको पहले भी हम लोग नोटिस दे चुके हैं और अपने डीएम के पास भी दिए हुए हैं, एसपी को भी दिए हुए हैं, सबको हम लोग आगाह किए हुए हैं, लेकिन इस पर कोई आज तक सुनवाई नहीं हो रही। तो लीगल नोटिस, पहले तो लीगल नोटिस लगाया जाएगा, उसके बाद मैनेजमेंट नोटिस लगाया जाएगा, उसके बाद सीबीआई नोटिस लगाया जाएगा, यही ना? हाँ जी, ठीक। हाँ बोलिए सर, आप कुछ कहिए। सभी पंच पीढ़ी साथी 4 सालों से काफी परेशान है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक लोढ़ा कमेटी सभी पल्स पीड़ित साथियों का एक भी पेमेंट नहीं किया। और आज हम सभी लोग निवेशकों द्वारा हर समय प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो भी निवेशक हैं, हम सबों को जान से मारने की धमकी देते हैं। इसलिए हम लोग लीगल नोटिस जो है सीबीआई को, एसपी को और जिला पदाधिकारी को हम लोग देने जा रहे हैं, ताकि हम लोगों का जल्दी से जल्दी लोढ़ा कमेटी इस पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों का पेमेंट करा दें। सर, तो इसमें तो जिला पदाधिकारी को तो अभी नहीं देना है, तो लीगल नोटिस सीनियरों के पास देना है, जो निगेटिव सीनियर है, जो हमारे निगेटिव सीनियर हैं, जो हमारे साथ नहीं देते हैं, उन लोगों को तो हमें देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे जाने कि हमारे जो जूनियर साथी हैं काफ़ी परेशानी से, काफ़ी परेशानी के चलते परेशान, इसलिए हम लोग लीगल नोटिस निगेटिव सीनियर जो हैं उनके पास रजिस्टर्ड द्वारा भेजा जा रहा है। जी, तो इसमें आप, हम सब मिलकर थी लीगल नोटिस लगाएंगे, मैनेजमेंट नोटिस लगाएंगे, उसके बाद सीबीआई के पास कंप्लेंट भेजेंगे। जी ठीक। सर कुछ कहना चाहिए, आप कहना चाहते हैं? छोड़िए। हाँ सर, कुछ कहना चाहते हैं? हम तो अब आत्मदाह करने का सोच रहे हैं डीएम ऑफिस के सामने। अगर पैसा नहीं मिलता है तो मैं किसी भी वक्त डेट दे के आत्मदाह करूंगा आम पब्लिक के सामने। मैं बहुत प्रताड़ित हूं, मैं हार्ट का मरीज हो गया हूं, रोते रोते मेरी औरत रोगी हो गई है, मेरे परिवार के बच्चे तबाह हो गए हैं, पिताजी आप कहां से कहां ये पीएसीएल के पचड़े में पड़ गए हैं। मेरा हाथ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया हम लोगों का पैसा किसी भी हर हाल में
दिलवाने की कोशिश किया जाए, वरना मैं तो जल के मरूंगा ही। तो इसमें सीनियर जो निगेटिव सीनियर है उसका इसमें हाथ है ना? हाँ, तो निगेटिव सीनियर एस एन पांडे, के पांडे, इन लोग का पूरा हाथ है, ये पूरा लूटे हुए हैं। जी, यहाँ और लोग हैं? अब नजर नहीं आ रहे हैं वो लोग, एकदम भूमिगत हो गए हैं। मैनेजमेंट तक भी है लोग? हाँ हाँ, एकदम मैनेजमेंट तक पहुँच है इन लोग, कोर कमेटी के मेंबर इन लोग के पहुँच है। जी, इन लोग चलते आप परिवार सब तहस नहस आपका हो गया? हो गया है। निवेशक हमको एकदम उल्टा सीधा बोल रहा है, हम पैसे से मैं डॉक्टरी करता हूँ। जी, मेरा प्रैक्टिस भी मार खा रहा है, मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है कि मैं रोगी को दवा दे सकूं। जी, आप बहुत तरह से प्रताड़ित है। बहुत तरह से प्रताड़ित। तो आप मैनेजमेंट से भी मैंने कुछ कहना चाहते हैं कि अभी भी लाइफ सही लाइन में आ जाए? हाँ, मैनेजमेंट आप सही ढंग से सब लोगों का भुगतान करें। मैं करता हूँ कि सही ढंग से भुगतान किया जाए। जी, वरना हम लोग की जीवन खतरे में है। किसी को बकसने वाले हम लोग नहीं है, किसी को बकसने वाले हम लोग 5,000 जो है वो क्या ना करता। जी, 5,000 जो है वो जो निगेटिव लोग है, जी जी जी, उनके खिलाफ जब मरना है तो उन लोगों को भी ले जाना है। जी ठीक, आप सर कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हाँ सर, हाँ सर, बोली कुछ गंदा उड़ाई, बोली बोली। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी, मैं गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ। मैं PSCL में इंस्पेक्टर था। आज के डेट में हम लोग सभी लोग बहुत परेशानी के दौर में गुजर रहे हैं। जो आज हम लोग सीनियर ठोकर मार रहा है, हम लोग भाग रहे हैं, और जो जो हम लोग निवेशक है बहुत परेशान कर रहा है, जिनके वजह हम लोग को केस मुकदमा सब कुछ जारी हो गया है। इसके चलते हम लोग सभी लोग बहुत परेशानी हैं। इसके बदलौत हम लोग आज मैं श्रीमान गांधी मैदान में सब लोग एकत्र हुए हैं। इस विषय पर हम लोग समाधान कर सके। इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। सर ये बताइए, आप आगे में आपका क्या मंशा है, किस तरह मंशा? आगे में मंशा कि अपने जो सीनियर है उस पर लीगल नोटिस जारी करें सब पर। जी, लीगल नोटिस आगे में बढ़ाना चाहते हैं? जी सर जी। कहाँ तक? मैनेजमेंट तक, जितने सीनियर भंगू साहब तक के, यहाँ तक की भंगू साहब, भट्टाचार्य, भंगू और चन्नी सब लोगों के पास लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं? जी सर जी। जिससे कि जो गरीब निवेशकों का पूरा जो भी है धांधली, उसका सही तरह से पर्दाफाश हो सके। जी सर जी। हाँ सर, कुछ और बोलना चाहते हैं? मैं जगत प्रसाद, ग्राम लखी टोला माधोपुर, जिला सीमान का निवासी हूँ। परेशानी को तो कुछ कहना ही नहीं है। परेशानी जो झेल रहे हैं, मरता क्या नहीं करता, हमें अपनी मौत की कोई डर नहीं है। हमें निवेशक हमें मार दी, लेकिन मैनेजमेंट हमें 21 और 22 अगस्त का जो कलेक्शन है उसका ब्यौरा हर हाल में देना है। इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को, CBI को, और यदि वो लीगल नोटिस दे रहे हैं। तो देश में लोग जितने लोग शहीद हुए हैं, अगर उनका न्याय मिल गया, इन 5,000 कुत्तों को फांसी की फंदा लग गई, तो हम समझेंगे कि हमारे सारे निवेशकों का पैसा मिल गया। धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं सर? बोला जी, खींची ना लू रही।
चल नहीं देगा मिलेंगे तो है ना आई है ना छोड़ बोली मैं उपेंद्र कुमार कुशवाहा ग्राम रतनसराय पोस्ट बरौली जिला गोपालगंज का निवासी हूं। गांधी मैदान में जो हम लोगों का जो एक सामूहिक मीटिंग हुआ हम लोग पल्स पीड़ित सब लोग सही एथी में देखा जाए तो बहुत हम लोग मैंने मानसिक रोगी हम लोग हो गए हैं। हम लोग जिस तरह जी रहे हैं हम ऊपर वाला जानता है और हमारे जो भी लोग हैं हमको मदद नहीं कर रहा है। जो भी हम लोग विश्वास किए थे हमारे जो सीनियर हैं जो निगेटिव सीनियर हैं जो कि हमारा सिवान जिला और गोपालगंज जिला के सबसे मैंने कहा जाए जो हम लोगों को सही रास्ता पर जो सही लड़ाई हो उसमें सहयोग हम लोगों को देना चाहिए। इंसानियत के नाते वो लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं। उन लोगों को हम लोग बकसने वाले नहीं हैं। हम लोग उन लोगों को पहले लीगल नोटिस हम लोग देंगे और उसके बाद मैनेजमेंट नोटिस हम लोग 7 जगह पर भेजेंगे। एक उसके बाद CBI के पास हम अपना लीगल नोटिस और मैनेजमेंट नोटिस का और CBI के पास हम लोग एथी भेजेंगे उसका पेपर भेजेंगे और उसके बाद और ईमेल का जो क्रिया है वो लोग 0 सर के माध्यम से जो आया है उसको हम लोग देंगे और उसके बाद एक और आने वाला है जिसका जिला और SP के पास देना है वो आगे में है। जो जिस तरह आएगा जिस तरह उसका निर्णय होगा उस तरह हम लोग करेंगे और हम जो 5000 जो एथी हैं जो मैनेजमेंट से लेकर सीनियर और जो इसमें जितने 5000 लोग मिले हुए हैं उन लोगों को हम लोग बकसने वाले नहीं हैं। उनको जिस तरह हम लोग मर रहे हैं उस तरह उन लोगों को भी फांसी के फंदे तक हम लोग ले जाने का संकल्प के साथ हम लोग तत्पर हैं। आगे जो भी है इस देश में जो सही राह पर चलने वाला है उसको साथ देने के लिए सत की राह पर हमारे साथ जुड़ने वाले जो भी है वो जुड़ सकता है उनका हम लोगों के साथ स्वागत है। हम लोगों के इस सभा में जितने लोग आए हैं उन लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं जो सही राह पर हम लोगों का साथ दे रहे हैं। इनके साथ ही मैं पूरे इस PSL पीड़ित सभी साथियों को मैं अपने तरफ से सादर प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार। गोपालगंज सिवान जिला के जितने भी सदस्य हैं उनको हम सादर प्रणाम करते हैं। Thank you.